हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज हम हल्द्वानी से रामनगर की ओर चल दिए हैं। बस हम कार से चल दिए हैं, अभी हम उखानी की साइड हैं। अब हम क्या कहते हैं, लांबा चौड़ आता है और लांबा चौड़ की ओर हम जा रहे हैं। ये बीच में खेत पड़ते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रिलायंस फ्रेश आ गया है, रिलायंस मार्केट जियो मार्केट आ चुकी है। मैंने रास्ते में छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी हैं। ये नया गांव आ गया, यहाँ से दो रास्ते कट होते हैं, एक बाजपुर की ओर जाता है और एक रामनगर की ओर। देखिए रास्ते में छोटी छोटी झोपड़ियाँ पड़ी हैं और लोग यहाँ पर रहते हैं। सड़क के किनारे ही है, अवैध कब्जा ही हुआ, कायदे से होनी तो नहीं चाहिए लेकिन तब भी लोगों ने बना रखी हैं। पूरे रास्ते भर हरा भरा है, खूब ग्रीनरी है, यहाँ पर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, खेत हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये छोई आ चुका है, उसके बाद आ जाता है हमारा रामनगर। ये देखिए आ गया है रामनगर। ये है रामनगर का बैराज और इसके किनारे पार्क बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये है नहर, कोसी नदी से ही निकाली गई है ये नहर जो शहर की तरफ को जाती है। यहाँ भी ही शाम को लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं। कोरोना की वजह से कम हो गया लेकिन फिर भी लोग अब तो काफ़ी घूमने लगे हैं। ये आ गया रामनगर का लखनपुरी एरिया। यहाँ लखनपुरी में ही मार्केट है, ये मेन मार्केट नहीं, मेन मार्केट आगे है, लेकिन ये हम लोग जब अपने पंपापुरी की ओर मुड़ते हैं तो ये हमारे घर से पास पड़ती है, तो हम लोग जो छोटी मोटी शॉपिंग करनी होती है हम यहीं से ही खरीद लेते हैं सारा सामान। अब हम मुड़ रहे हैं अपने मोहल्ले पंपापुरी की ओर। ये देखिए हम आ गए हैं पंपापुरी में। ये स्टार्टिंग का एरिया है पंपापुरी का। यहाँ पर आते ही लगने लगता हम पहाड़ में आ गए हों, पहाड़ की जैसी लोकेशन लगती है। यहाँ पर लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। ये मेरी सहेली का घर है जो सामने दिखाई दे रहा है, और ये आगे हमारा भूमिया मंदिर, और इधर कार रखने के लिए बनाया गया है। दो रास्ते हैं, हम इस वाले ऊपर की पहाड़ की तरफ वाले रास्ते में चढ़ जाते हैं और वहाँ से हमारा घर पास पड़ता है, और इधर से कार। ये देखिए हमारे हवा से बाल कैसे उड़ चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी से रामनगर, अपने मायके, अपने घर। वो भी घर है और ये भी घर है। मैंने विंडो खोल रखी थी क्योंकि एसी चलाने का मन नहीं कर रहा था, तो मेरे बालों की क्या हाल हो चुका है, बुरा हाल। मिस्टर प्रदीप और बच्चे पहले ही आगे भाग गए हैं घर की, और हम हल्के हल्के आ रहे हैं। तो ये है हमारा मोहल्ला पंपापुरी, जहाँ हम पहुँच चुके हैं और अपने घर की ओर जा रहे हैं। अनीता को मैंने बुला लिया है कि थोड़ा सफाई कर देगी, क्योंकि एक महीने से ऊपर हो गया है घर की सफाई नहीं हुई है। लगभग दो महीने बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, वरना मैं हर महीने आई जाती हूँ। कोरोना के कारण मैं बहुत रुक गई थी,
यहाँ पर, तो इस चक्कर में इस बार मैं 2 महीने के आसपास आई हूँ, वरना तो मैं, मेरा मन ही लगता है 1 महीने में ही मैं अपने घर के चक्कर काट जाती हूँ। जैसी आदत पड़ जाए, जिसकी आदत होती है वो ससुराल में काफी सालों सालों रह लेता है, लेकिन मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे अपने घर की याद आने लगती है। तो ये आ गया है मेरा घर, पांडे निवास। ये नीचे बह रही है कोसी नदी। यहाँ की प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अच्छे हैं। जब से मैं रामनगर में आई हूँ तब से मैं सफाई में लगी हुई हूँ। अनीता भी आई, लेकिन उसने भी अपनी ओर से बहुत अच्छा काम करा, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा गंदा घर हो रहा था। मतलब जमीन में दीमक फैल गई थी, मैं तो समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो गया। अलमारियां इतनी गंदी हो रही हैं, और मैं अपनी तब से लगी हुई हूँ, आप दिखाती हूँ मैं आपको, बिस्तर वगैरह सब साफ कर दिया, लेकिन अभी ऊपर जाले वगैरह लगे हुए हैं। मुझे लग रहा 2-3 दिन पूरे लगेंगे सफाई करने में। ये मैंने मम्मी के कमरे की बेडशीट बदल दी अपनी ओर से, ये टेबल, ये सब चीजें पोंछ दी, ये अलमारी, और जो ये वाली अलमारी है इसमें तो ऐसा गंदा हो रखा है, बहुत ही गजब। अभी मैंने फैन वगैरह नहीं पोंछे हैं, ऊपर कुछ सफाई नहीं करी है। ये मेरे पापा हैं, ये मम्मी का कमरा है, पापा इसी कमरे में सोते थे। जो ये वाली बेड है ये पापा का है, वैसे पापा ही सोया करते थे, अब कोई नहीं सोता है। कभी कभी होता है हम दिन में लेट जाते हैं, तो साफ सुथरा रखते हैं पापा के बेड को। ये देखिए हिमाद्री हमारे टेनेंट के बच्चे हैं, सब खेलने में लगे हुए हैं। कपड़े मैंने ऐसे ही फैला रखे हैं, जब से आई वॉशिंग मशीन लगा रखी, सब कमरों के मैंने बेड वगैरह, बेडशीट वगैरह सब बदल दिए हैं, और सफाई में बस मैं लगी हुई हूँ। चाय भी आज मम्मी ने बनाई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं चाय बना पाऊँ। रात हो गई है, रात क्या हो गई है, बल्कि मतलब 7 बज गए। अभी खाने का मैंने कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं हुआ तो मैं सोची दाल भात उबाल दूंगी, वही मम्मी के लिए रोटी बना दूंगी, क्योंकि बहुत थकान लगने लगी है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ अपने 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 अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।